खबर शामिल करते हैं साधुकी से, जहां साधुकी में रात गए मस्जिदों के ताले और गले तोड़कर कीमती सामान और नकदी चोरी कर ली गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया से। जी नवीद, हमें बताइएगा कि ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की या नहीं? जी हम इस वक्त मौजूद हैं साधुकी में, जहाँ मस्जिदों के ताले तोड़ के, गले तोड़ के पैसे और काफ़ी कीमती चीज़ें चोरी कर ली गई हैं। आए हम इनसे पूछते हैं कि इन क्या क्या मस्जिदों में नुकसान हुआ है और ये वाकया कैसे पे? साधुकी साढ़े मस्जिदों के रात नूं ताले तोड़े गए ने, नुकसान किया गया है और मस्जिद दीआं कीमती अशिया जिहड़ियां ने चोरी करके ले जाए गए ने। तकरीबन पांच मस्जिदों के इको रात में यह हादसा होया है। मैं अपील कर रहा हाँ अल्लाह हुकाम अगे गवर्नमेंट अगे कि इतने सानू अच्छी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया जाए ताकि साड़िया मस्जिदा महफूज रहन और कोई मजीद नुकसान ना हो। रात तीन चार मस्जिदों जड़ियाँ ना ताले तोड़े गए हैं। पाँच मस्जिदों होया वाकया, एक रात ही होया तो यह हिसाब ला लो कि पांच मस्जिदों के ताले बाहर वाले अंदर तोड़ के बड़ा नुकसान किया गया, गल पैसे लैके निकल गया ने, कोई पुछने वाला नहीं। जिस तरह बच्चे ने पहला भी किया कि डकैतियां तीन भी हो रही ने, दो तीन दुकानों का नुकसान किया गया, लेकिन अज तक वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए। साढ़े पुलिस वाले अगे आला उदे दौरान अगे अपील है कि बराए मेहरबानी नोटिस लिया जाए। DPO बिलखसूस RPO साहब इन्होंने अपील है कि साढ़ा जो नुकसान हो चार पांच मस्जिदों का एरा भी अजाला किया जाए। इस तू अलावा भी GT रोड उपर दो साड़िया दुकाना लुटिया गई ने और CCTV फोटोज भी बंदे आए ने, लेकिन पुलिस वाले का कोई रद्दे अमल नहीं आया ना।